हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित साहू फिजिक्स। टुडे आई विल स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्युत भाग 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अपन टॉपिक जो कवर करेंगे वो है थर्मल इफेक्ट ऑफ करेंट, धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीट के बारे में पढ़ेंगे, ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो इसी का सेकेंड पार्ट है, जिसमें अपन पढ़ेंगे विद्युत शक्ति के बारे में, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में और पावर के कॉम्बिनेशन के बारे में, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द पावर, या बोल सकते हैं श्रेणी और समानांतर क्रम, बल्बों के संयोजन जो होते हैं श्रेणी में समांतर में कैसे होंगे, उनका कुल पावर क्या होगा, कुल शक्ति का मान क्या होगा, इसके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। इतना क्लियर है? अब सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धारा का ऊष्मीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट ऑफ करेंट। थर्मल इफेक्ट ऑफ करेंट क्या होता है? अगर मान लो मेरे पास एक चालक है, कंडक्टर है, जिसका प्रतिरोध क्या है, R है, इसको मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इस बैटरी के थ्रू इसमें क्या होगी, I धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी, और इसका जो विभव है, विभवांतर, वो कितना है, मान लो V है। मतलब इन दो सिरों पे, A और B सिरों पे जो विभवांतर है वो कितना है, V है, ठीक है। तो धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, जब किसी चालक तार में I धारा प्रवाहित करते हैं तो उस प्रवाहित धारा के कारण इसमें से ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होने लगती है। इसे ही बोला जाता है क्या, धारा का ऊष्मीय प्रभाव, है ना भाई। इसमें करंट धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसमें क्या होगी, ये गर्म होगा, गर्म होने के कारण उसमें क्या होगा, ऊष्मा प्रवाहित होने लगेगी, तो इसी को बोला जाता है धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इतना क्लियर है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर ए से बी तक किसी आवेश क्यू को अपन क्या करते हैं, गति कराते हैं, या यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही, मतलब आवेश क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। अगर आवेश प्रवाहित हो रहा है तो अपन ए से बी तक आवेश को क्या करना है, गति कराना है। तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को गति कराने के लिए किया गया कार्य जो होता है वो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ही। अपन पढ़े है ना भाई विभव के बारे में, विभव होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो यहाँ पर डब्ल्यू का मान क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी। और जहाँ पर क्यू का मान क्या होता है, तो जहाँ Q का मान हो जाएगा I इंटू टी, क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा। I इंटू टी कहाँ से आया, तो हम पढ़े हैं, है ना भाई, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट। तो यहाँ से W का मान क्या आ गया, V I T। तो ये इसका पहला फार्मूला हो गया, किया गया कार्य का, ठीक है। अब इसी का अपन दूसरा फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो अपने को ओम के नियम से पता है, ओम का नियम बोलता है V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो जब V का मान आई आर रखेंगे तो W का मान क्या हो जाएगा, I का वर्ग, एक आई और आ गया, V का मान आई आर रखेंगे तो I का वर्ग R T हो गया। तो ये इसका दूसरा फार्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे V का मान आई आर रखें वैसे I का भी तो मान रख सकते हैं अपन, I का मान क्या होगा, V अपॉन R होगा। तो I का मान जब V अपॉन R रखेंगे तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू यहाँ V इंटू V, V का वर्ग हो जाएगा V अपॉन R इंटू टी। तो ये तीसरा फार्मूला आ गया। इस तरीके से इसके कितने फार्मूले हो गए, तीन फार्मूले हो गए किया गया कार्य का। और यही कार्य जो है, यही कार्य जो है ऊष्मा के रूप में क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो ये जो कार्य है वो किसके रूप में परिवर्तित हो रहा है, ऊष्मा के रूप में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो इस कार्य को बोल सकते हैं क्या, ऊष्मा। इसलिए ऊष्मा का फार्मूला हो जाएगा वी आई टी, जो भी फार्मूला आया, बराबर आई स्क्वेयर आर टी, बराबर हो जाएगा V का वर्ग अपॉन R इंटू टी। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, इसी ऊष्मा का प्रायोगिक अध्ययन जो है वो किसने किया था, इसी ऊष्मा का जो प्रायोगिक अध्ययन किसने किया था, जूल नाम के साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था, जूल नाम के साइंटिस्ट ने किया था। इसने जूल के नियम का क्या किया, प्रतिपादन किया, जिसको बोलते हैं जूल प्रभाव। क्या बोलते हैं, जूल प्रभाव। और जूल प्रभाव में सेम सूत्र था, एच जो है अनुक्रमानुपाती होता है आई के वर्ग के, जो ऊष्मा एच है वो आर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, और जो एच होता है वो समय के क्या होता है, डायरेक्टली प्रभाव। मतलब अगर धारा का मान बढ़ाओगे तो एच का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन आई के वर्ग के अनुसार बढ़ता है। आर का मान बढ़ाने से एच का मान बढ़ेगा, टी का मान समय का मान बढ़ाओगे तो एच का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ से समझ में आ गया, तो इसी फार्मूले को ही जूल नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, प्रतिपादन किया था। तो इसी को बोलते हैं जूल का प्रभाव। जब तीनों समीकरण को मिलाओगे तो एच अनुक्रमानुपाती हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी के, किसके, आई स्क्वायर आर टी के। अब यहाँ प्रोपोर्शनल टू लगाएंगे, हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा के आई स्क्वायर आर टी, और के का जो मान होता है वो वन होता है किसके लिए, एसआई यूनिट के लिए। क्या होता है, एसआई यूनिट के लिए, इकाई के लिए के का मान होता है। एच का फार्मूला आ गया आई स्क्वायर आर टी, किस में आया, ये जूल में आया। जब इसको कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें किस कितने का डिवाइड करना पड़ता है, आई 4.18 या 4.2 अप्रॉक्सीमेट ले सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा 4.2 कैलोरी, क्या हो जाएगी, कैलोरी, है ना, या बोल सकते हो इसको आपको याद रखना है ये दोनों फार्मूले को। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना, ये कौन सा फार्मूला सही है, ऑप्शन चार ऑप्शन दे देगा ऊष्मा का, आई स्क्वायर आर टी, या जूल के कैलोरी के फॉर्म में दे देगा आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2
कैलोरी के फॉर्म में भी दे सकता है ना। इतना क्लियर हो गया तो आपको यहाँ पे ये फार्मूले को क्या करनी है, याद रखनी है। इतना क्लियर हुआ तो ये होता है धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जिसमें एच का फार्मूला आता है आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे तीन फार्मूले हैं, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो ये होता है धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, आपके सिलेबस में डायरेक्टली दिया हुआ है धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में, तो अपने को थोड़ा सा इसके बारे में जानना था, इससे क्वेश्चन बन सकता है। डायरेक्ट फार्मूला भी यहाँ से पूछा जा सकता है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लिक हो सकता है डायरेक्ट फार्मूला से रिलेटेड में, कुछ पीएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं तो आप इसको देख सकते हो। इतना क्लियर हो गया तो आपको ये दिमाग में बैठाना है, इसको आपको याद रखना है। इतना क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए। सिलेबस अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत शक्ति का, इलेक्ट्रिक पावर। इससे भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, बल्ब वाला क्वेश्चन जो रहता है वो सब यहीं से रिलेटेड रहता है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, द रेट एट विच वर्क इज कॉल्ड पावर। मतलब बोल सकते हैं किसी विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर या ऊर्जा क्षय होने की दर क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। तो कार्य करने की दर मतलब कार्य बटे क्या हो जाएगा, समय। कार्य बटे क्या हो जाएगा, समय, ये क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है। तो P इज इक्वल टू क्या आ गया, फार्मूला W बाय T। और जहाँ पे W का मान अपन पढ़ चुके हैं क्या होता है, तो जहाँ पे W का मान अपन निकाले हैं VIT, क्या होता है, VIT होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा P इज इक्वल टू VI इंटू टी अपॉन टी हो जाएगा। TT क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो P का मान हो गया V इंटू आई। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था वोल्ट और एम्पियर के गुणनफल को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, मैं आगे चल के कराऊंगा आपको, ठीक है। तो समझ में आ गया यहाँ से क्या आ गया, शक्ति का सूत्र आ गया। शक्ति का क्या सूत्र आया, पावर का, P इज इक्वल टू VI। अब इसका जो इकाई है वो क्या होगा, तो ये हो गया वोल्ट, ये हो गई एम्पियर। और वोल्ट और एम्पियर को जब कंबाइन करते हैं, या बोल सकते हैं कि जो पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो वाट नाम के साइंटिस्ट, उसी के नाम से इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया, क्या, वाट। तो पावर की यूनिट वोल्ट एम्पियर को ही क्या बोला जाता है, वाट बोला जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब इसके दो अलग अलग फार्मूले बन सकते हैं ओम के नियम से। ओम का नियम बोलता है V इज इक्वल टू IR। तो जब V इज इक्वल टू IR पुट करेंगे तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, I स्क्वेयर R। तो ये इसका सेकेंड फार्मूला आ गया, जैसे जस्ट पहले अपन एनर्जी का निकाले थे, कार्य का निकाले थे, है ना। अब यहाँ पे I का मान रखेंगे तो I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R। तो जब V अपॉन R पुट करेंगे तो P का मान क्या हो जाएगा, V इंटू V का वर्ग अपॉन R हो जाएगा। तो ये इसका आ गया तीसरा फार्मूला आ गया, किसका, शक्ति का। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब शक्ति की मात्रक के बारे में देखते हैं, शक्ति के मात्रक क्या क्या होते हैं। तो शक्ति के मात्रक में देखते हैं सबसे पहले 1 किलोवाट, ये अपने को जानना जरूरी है आगे के टॉपिक्स के लिए। तो 1 किलोवाट जो होता है वो क्या होता है, 1000 वाट होता है। 1000 क्या होता है, वाट होता है। इतना क्लियर है। उसके बाद है 1 मेगावाट, 1 मेगावाट। तो 1 मेगावाट कितना होता है, 10 की पावर 6 वाट। क्या होता है, 10 की पावर 6 वाट। इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3 वाट, ठीक है। 10 की पावर 6 मतलब मेगा, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछ देते हैं इसमें मेगा वगैरह हम पूछा जाता है, तो आप उसको कन्वर्ट करोगे, 1 मेगावाट क्या होता है, 10 की पावर 6 वाट होता है, ठीक है। आगे 1 HP हॉर्स पावर, मोटर यूज़ किया आपने देखा होगा, है ना, मोटर में 1 HP का पंप आता है, 2 HP का आता है ना। तो 1 HP का मीनिंग क्या होता है, 1 HP होता है 746 वाट के बराबर होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि 1 HP का वाट के साथ क्या संबंध है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, इसको याद कर लीजिए, 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट होता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, किलोवाट आवर एंड जूल में संबंध, किलोवाट घंटा हिंदी में लिख सकते हैं, किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध है, जूल में क्या संबंध है। चलिए अब इसको समझते हैं, 1 किलोवाट आवर इसका मीनिंग होता है एक यूनिट, 1 किलोवाट मतलब होता है एक यूनिट होता है। घर में बिजली का बिल आता है, वो 1 किलोवाट यूनिट के हिसाब से आता है, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट। तो 1 यूनिट का जो मीनिंग होता है, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा होता है, एक यूनिट जो है, इसी के हिसाब से आप बिल पे करते हैं, है ना। तो 1 किलोवाट आवर मतलब एक यूनिट होता है, वो कितने जूल के बराबर होता है, जूल मतलब कार्य की इकाई है, है ना, कितने जूल के बराबर होता है। देखिए ध्यान से, 1 किलोवाट आवर को जूल में कैसे कन्वर्ट करना है, 1 किलोवाट, किलोवाट को लिख सकते हैं क्या, 1000 वाट, क्या लिख सकते हैं, 1000 वाट, यहाँ से वाट निकल गया। आवर, आवर मतलब होता है 3600 सेकेंड, तो ये आवर किस में चेंज हो गया, सेकेंड में, तो ये आ गया वाट सेकेंड, क्या आ गया, वाट सेकेंड। अब इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू, अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 की पावर 6 वाट सेकेंड, मतलब 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट सेकेंड के इक्वल होता है। और वाट सेकेंड को क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, P इज इक्वल टू W/T और W इज इक्वल टू P इंटू टी। P की यूनिट क्या है, वाट,
समय की यूनिट क्या है? सेकंड है, ठीक है। और कार्य की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो इसका मतलब वाट और सेकंड जो है किसके बराबर होगा? जूल के बराबर होगा। तो यहाँ वाट सेकंड की जगह में क्या ले सकते हैं? जूल। तो ये 3.6 इंटू आ जाएगा 10^6 जूल आ जाएगा। किसकी वैल्यू? 1 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर एक यूनिट, मतलब एक यूनिट अगर बिजली का बिल आप खपत हो रहा है आपके घर में, इसका मतलब आपने कितनी ऊर्जा व्यय की? 3.6 इंटू 10^6 जूल। तो ये संबंध वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है ऑप्शन में 1 किलोवाट आवर जूल के, जूल में क्या संबंध है, किसके बराबर होगा, किस वैल्यू के बराबर होगा? तो ऑप्शन में देख लीजिएगा, इसमें 5 कोई कोई पूछता है, कभी कभी 4 पूछ देता है, कभी कभी 3 कर देता है। तो आपको किस में टिक लगाना है? 3.6 इंटू 10^6 जूल में। तो आप इसको याद रखोगे, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10^6 जूल होती है, जिसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर, डेट इज 1 यूनिट। इतना समझ में आया? हमने देखा ACF 2016 और 70 के पेपर में इलेक्ट्रिसिटी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बल्ब से रिलेटेड है। अब बल्ब में कौन से पॉइंट से रिलेटेड है? पावर से, शक्ति से रिलेटेड है। तो अपने को जानना पड़ेगा श्रेणी क्रम में बल्बों का संयोजन, समांतर क्रम में बल्बों का संयोजन, उसकी शक्ति कैसे निकालते हैं, उसके बाद उसको समझने के लिए अपने को ये कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने को क्या पढ़ना है? श्रेणी क्रम पढ़ना है। किसका? कुल शक्ति का श्रेणी क्रम में शक्ति का मान क्या होगा, समांतर क्रम में कुल शक्ति का मान क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द पावर, ये अपने को करना है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले देखते हैं अपन, दो बल्ब एज्यूम कर लेते हैं अलग अलग, ये पहला बल्ब हो गया और ये हो गया दूसरा बल्ब, ठीक है। अब इसकी पावर की रेटिंग मान लो P1 है, इसकी पावर की रेटिंग क्या है? P2 है, ठीक है। और इसका जो वोल्टेज है वो मान लो रेटिंग में दिया है V दिया है, इसकी रेटिंग दी हुई है V2, मतलब इस पर लिखा हुआ है ना, सॉरी दोनों का क्या लेके चलते हैं? V लेके चलते हैं, सेम रेटिंग का है दोनों, ठीक है। एक का पावर क्या है? P1, दूसरे का P2। तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R1 और R2 हो जाएगा। अब यहाँ से अपन पावर निकाल सकते हैं, P इज इक्वल टू होता है V² / R1, मैंने बताया है। तो P1 इज इक्वल टू V² / R1 हो जाएगा, और यहाँ से R1 जब निकालेंगे तो हो जाएगा V² / क्या हो जाएगी? P1 हो जाएगी। सेम वैसे इसको याद रखिएगा आप, है ना, सेम वैसे P2 का मान क्या हो जाएगा, देखिए V² / R2। इतना क्लियर है? तो यहाँ से R2 निकाल लेते हैं, V² / हो जाएगी P2 की वैल्यू। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आ जाते हैं श्रेणी क्रम में, पहले डिस्कस करेंगे श्रेणी क्रम के बारे में, फिर किस पर डिस्कस करेंगे समांतर क्रम के बारे में। तो यहाँ पे अगर दो बल्ब जो है श्रेणी क्रम में मान लो क्या है, कनेक्टेड है इस तरीके से, तो श्रेणी क्रम में कनेक्टेड है, इनका जो कुल पोटेंशियल है वो रेटिंग के हिसाब से देखा जाए, जैसे वी लिए यहाँ पे भी, तो कुल पोटेंशियल क्या लेके चलते हैं? वी लेके चलते हैं। और इससे आई धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इसका जो शक्ति है वो P1 है, इसका क्या है? P2 है। इतना क्लियर हुआ। अब प्रतिरोध इसका मान लो कितना है? R1, इसका प्रतिरोध क्या है? R2 है, ठीक है। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनका कुल जो पावर है वो हो जाएगा मान लो PS हो जाता है, PS ले सकते हैं, P इफेक्टिव ले सकते हैं, सीरीज एक्सेलरी में तो PS ले सकते हैं। इफेक्टिव पावर क्या हो जाएगा? इफेक्टिव शक्ति, प्रभावकारी शक्ति या प्रभावी शक्ति क्या हो जाएगी? PS हो जाएगी। तुल्य शक्ति जो है कितनी होगी? PS होगी। तो वैसे इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? RS हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी की वैल्यू क्या हो जाएगी? V हो जाएगी। तो यहाँ से जब शक्ति निकालते हैं अपन, तो शक्ति का मान क्या होता है? V² / RS हो जाएगा। तो यहाँ से RS जो है कुल प्रतिरोध का मान हो जाएगा, V² / कुल शक्ति हो जाएगी। तो यहाँ किसकी मान निकल गई? जब दोनों को श्रेणी क्रम में कनेक्ट किए तब कुल क्या निकल गया? प्रतिरोध का मान निकल गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम जानते हैं श्रेणी क्रम में RS जो होता है वो क्या होता है? R1 + R2। कुल प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम में क्या होता है? RS = R1 + R2 होता है, ठीक है। अब देखिए RS का मान कितना है? V² / PS। R1 का मान कितना है? देखिए V² / P1। और R2 का मान कितना है? V² / P2। अब देखिए सबका V² आपस में यहाँ से कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/PS हो जाएगा, 1/P1 + 1/P2। तो देख लीजिए श्रेणी क्रम में जो कुल शक्ति होती है वो प्रतिरोध, अगर देखा जाए प्रतिरोध कैसी होती है? R1 + R2 होती है, लेकिन जो शक्ति होती है जस्ट उल्टी होती है, 1/PS = 1/P1 + 1/P2। आप डायरेक्टली ऐड मत कर देना कि श्रेणी क्रम में शक्ति का मान क्या होगा P1 + P2 करके, उसको उल्टा करके ऐड करिएगा। तो प्रतिरोध के जस्ट उल्टी होती है क्या शक्ति होती है, किसमें? श्रेणी क्रम में। इतना क्लियर हो गया। अब इसी को देखते हैं समानांतर क्रम में। अब दो अपन बल्ब लेते हैं, दोनों को किसमें कनेक्ट कर दिए? समानांतर क्रम में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और दोनों का विभव क्या है? समान है। ये हो गया V, ये वन P1, ये वाला P2। इसका प्रतिरोध R1, इसका प्रतिरोध क्या है? R2 है। इतना क्लियर हुआ। अब दोनों को जब सॉल्व करेंगे, यहाँ से आई धारा प्रवाहित, दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो एक नया बनेगा RP, समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध RP हो जाएगा, और कुल शक्ति क्या हो जाएगा? PP हो जाएगी। कुल शक्ति क्या हो जाएगी समांतर क्रम में? PP हो जाएगी।
और इसका जो वोल्टेज है वो कितना है, मान लो V है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शक्ति का फार्मूला होता है वी स्क्वेयर अपॉन आर पी, कुल समानांतर क्रम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा आर पी, हो जाएगा कुल प्रतिरोध कुल शक्ति, है ना। अब यहाँ पे कुल प्रतिरोध का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वेयर अपॉन पी पी हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, इसको याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे लिए थे सेम वैसे यहाँ पे भी लेकर चलिए, समानांतर क्रम का हो गया, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया, अब यहाँ पे देखते हैं समानांतर क्रम में क्या होता है, वन अपॉन आर पी इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। अब देखिए वन अपॉन आर पी की वैल्यू उल्टा कर दो तो वन अपॉन आर पी, तो ये वी स्क्वेयर अपॉन पी पी होता है, तो ये हो जाएगा पी पी अपॉन हो जाएगा वी स्क्वेयर इज इक्वल टू। अब यहाँ से वन अपॉन आर वन तो उल्टा कर दो, पी वन स्क्वेयर अपॉन पी वन अपॉन वी स्क्वेयर प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी टू अपॉन वी स्क्वेयर, किसकी वैल्यू, आर टू की वैल्यू उल्टी कर दो तो आर टू अपॉन क्या हो जाएगा, वी स्क्वेयर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पी पी अपॉन वी स्क्वेयर, यहाँ से वन अपॉन वी स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा पी वन प्लस पी टू बचेगा, तो ये वी स्क्वेयर आपस में क्या हो गया, कैंसिल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आ गया, पी वन प्लस पी टू। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये बताने का मतलब ये था कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध होता है R1 प्लस R2, लेकिन जो पावर होता है वो होता है 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 होता है। समानांतर क्रम में जो प्रतिरोध होता है वो होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तुल्य प्रतिरोध जो होता है, लेकिन शक्ति क्या होती है, P1 प्लस P2 होती है। इसको याद रखना, आपको ये दो पॉइंट याद रखना, ये दोनों फार्मूले काम के, जस्ट प्रतिरोध का क्या होता है, उल्टा होता है श्रेणी और समानांतर क्रम में। इतना क्लियर हुआ, चलिए अब देखते हैं ACF 2017 का एक क्वेश्चन जो बल्ब से रिलेटेड है, शक्ति से रिलेटेड है, है ना। एक घर की विद्युतीय लाइन को 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन के साथ जोड़ा गया है, उसे 9 एम्पियर के फ्यूज तार द्वारा सुरक्षित किया गया है, समानांतर क्रम में 60 वाट के अधिकतम कितने बल्ब को एक साथ जलाया जा सकता है, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब ये था, यहाँ पे देखिए एक बैटरी है, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब इस बैटरी से समानांतर क्रम में बल्ब क्या है, जुड़े हुए हैं। अब कितने बल्ब है वो मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि वही अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है भाई, है ना। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे बल्ब क्या है, समानांतर क्रम में कनेक्टेड है, तो आपको बताना है यहाँ पे कितने बल्ब अपन इससे जला सकते हैं, समझ में आ गया। और इस फ्यूज से कितनी एम्पियर की, यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है ना, यहाँ पे एक फ्यूज़ ले लेते हैं, इस फ्यूज़ पे कितनी एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, एकदम 9 एम्पियर की धारा क्या होती है प्रवाहित। सबसे पहले जानते हैं फ्यूज़ क्या होता है, तो फ्यूज़ जो होता है घर की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, घर के सर्किट को जलने से बचाने के लिए, ये होता है हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी वीटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट का, लो मेल्टिंग का क्या होता है, एक वायर होता है। हाई रेजिस्टिविटी मतलब उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा कम गलनांक का एक तार होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से फ्यूज तार से रिलेटेड, इस बार हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे कि फ्यूज तार में होता क्या है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आपको कहाँ पे टिक लगाना है, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा कम गलनांक का एक क्या होता है, तार होता है, या उच्च प्रतिरोधकता तथा कम गलनांक का एक तार होता है, इसको बोलते हैं फ्यूज तार, है ना भाई। 9 एम्पियर फिक्स है, 9 एम्पियर से ज़्यादा होगा तो ये जल जाएगा, जलेगा तो ये सर्किट जो है जलने से क्या हो जाएगी, बच जाएगी, मतलब फ्यूज क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, तो फ्यूज अगर ब्रेक होगी सर्किट जलने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो अधिकतम धारा को रोकने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, फ्यूज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब आगे देखिए 9 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो अब उसमें 9 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे तो अधिकतम कितने बल्ब को अपन जला सकते हैं, अपने को देखना है, ठीक है। तो अधिकतम कितने बल्ब को जला सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले देखिए अपन क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास फार्मूला है पी इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू क्या है, वी आई हमारा फार्मूला है। तो पी इज इक्वल टू वी आई से अपन देखते हैं, वी का मान कितना दिया, देखिए 220 है ना, और आई का मान कितना है, 9 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1980 वाट, ये कुल पावर निकल गया, क्या निकल गया, कुल पावर निकल गया। और समानांतर क्रम में अपन देखें कुल पावर का मान होता है पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस ऑन, इस तरीके से होता है, है ना। और अगर देखा जाए तो इस तरीके से सभी बल्ब का पावर क्या है, समान है, सभी बल्ब का पावर क्या है, कितना है, समान है। कितना दिया है, 30 वाट, इसकी वैल्यू भी कितनी दी हुई है, 30 वाट दी हुई है, सॉरी 60 वाट, कितनी दी हुई है, 60 वाट, यहाँ पे क्या है, सबका पावर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60 वाट दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बल्ब का पावर अगर 60 वाट है तो इतने बल्ब का पावर क्या हो जाएगा, तो n नंबर ऑफ बल्ब, नंबर ऑफ क्या निकालते हैं, बल्ब निकालते हैं, तो n का मान हो जाएगा कुल पावर बटे
एक बल्ब का पावर, तो एक बल्ब का पावर कितना है 60 है ना, तो कुल पावर 1980 बटे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लीजिए है ना, 6 × 18 × 6 × 18 कितना, टोटल कितने बल्ब जला सकते हैं, 33 बल्ब यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन जला सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए ACF 2017 का एक क्वेश्चन देखते हैं है ना। 220 वोल्ट पर चलने वाली इलेक्ट्रिक हीटर 5 मिनट में 5 लीटर पानी उबालती है, यदि इसे 110 वोल्ट की लाइन पर चलाया जाता है तो उतना ही मात्रा का पानी कितनी देर में उबालेगा। मतलब पहला जो वोल्टेज था वो कितना था, 220 वोल्ट था, तब कितने मिनट तक वो गर्म किया गया, 5 मिनट तक। ठीक है, उबालने में कितना टाइम लगा, 5 मिनट लगा। अब वोल्टेज को कितना कर दिया, 110 वोल्ट, तब पानी को उबालने में कितना टाइम लगेगा ये अपने को निकालना है। तो हमारे पास एक फार्मूला है H का, V² / R × T का है ना, सब चीज़ सेम है, हीट और R है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं V² × T बराबर हो जाएगा H × R हो जाएगा, और H और R दोनों क्या है, नियत है, तो दोनों नियत होंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो अगर ये नियत है, इसका कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट है बोल सकते हैं ना, नियत है मतलब क्या है, कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, V²T = क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इन दोनों का संबंध है, क्योंकि V और T ही क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये दोनों चेंज नहीं हो रहे हैं, तो चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो V²T को क्या लिख सकते हैं, V1² T1 = V2² T2, ये दो कंपोनेंट यूटिलाइज कर सकते हैं है ना। तो यहाँ V1² T1 = V2² T2 हो जाएगा, तो यहाँ से निकालना क्या, T2 का मान, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, V1² / V2², इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर इंटू आ जाएगा T1। अब देखिए V1 / V2, V1 का मान कितना 220, इसका मान 110² और T1 का मान कितना दिया 5 मिनट। ठीक है, दोनों 11 × 2 = 22, 2² कितना हो जाएगा 4 × 5, 20 मिनट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20 मिनट। देखते हैं ऑप्शन में है क्या कोई ऑप्शन, ये वाला सी वाला, तो ये कितने मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे। इतना क्लियर हुआ। तो शक्ति से काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं धारा के उसमें प्रभाव से, जिसको अपने को कंप्लीट करना है। इससे क्वेश्चन इस साल भी पूछे जा सकते हैं, संभावनाएं हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत बल्ब में 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है। 60 वाट मतलब किसका मान है, शक्ति का मान है 60 वाट। 230 वोल्ट मतलब किसका मान है, वोल्टेज का मान है, विभव का मान है, 230 वोल्ट अंकित है। इस बल्ब को प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर, कितने दिन जला रहे हैं, 8 घंटे, मतलब समय का मान कितना दिया हुआ है, 8 आवर, 8 घंटे, कितने घंटे जला रहे हैं इसको, 8 घंटे अपन क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। तो 8 घंटे जलाने पर 30 दिनों में कितनी ऊर्जा व्यय होगी अपने को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी, 30 दिनों में कितनी ऊर्जा व्यय होगी अपने को कैलकुलेट करनी। तो ऊर्जा मतलब कार्य, और कार्य होता है P × T, पढ़े ना अभी, P = W/T, तो W = क्या हो जाएगा, P × T हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं P का मान 60 और समय दिया है, किस समय कितना दिया है 8, तो ये हो गया 8 है ना। अब देखिए आगे 60 पावर का मान, लेकिन वाट है, तो इसको वाट को क्या लिखना है अपने को, किलो वाट में कन्वर्ट करना है। तो वाट को जब किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे, किलो लगाएंगे, तो नीचे किसके किसका भाग देना पड़ेगा, 1000 का, 1000 का क्या देना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्या है, 8 घंटे आवर में है, तो इसको कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा किलो वाट आवर। समझ में आ गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर, 0.48 किलो, इधर देखो 8 × 48 है ना, यहाँ पे 3 जीरो है, नीचे 1 जीरो कैंसिल हो गया, 2 घर बाद लगा दो, 0.48 किलो वाट आवर, मतलब इतनी यूनिट क्या होगी पर डे का क्या होगा, व्यय होगा कितना, पर डे इतनी यूनिट क्या हो रही है एक दिन में व्यय हो रही है। तो अपने को कितने दिन का निकालना है, 30 दिनों के, तो 30 दिनों में व्यय ऊर्जा, 30 दिनों में व्यय ऊर्जा, तो 30 दिनों में व्यय ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो 30 का गुणा कर दो, तो 0.48 × 30, क्योंकि वन डे में इतना हो रहा है, इतना यूनिट खपत हो रही है एक दिन में, एक किलोवाट मतलब किलोवाट आवर में इतनी यूनिट क्या हो रही, खपत हो रही है। तो एक दिन में अगर इतनी यूनिट खपत होगी, 30 दिन में कितनी यूनिट खपत होगी, तो 30 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब 30 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 14.4 किलोवाट आवर, मतलब इतनी यूनिट क्या होगी, खपत होगी 30 दिनों में। तो 30 दिनों में कितनी ऊर्जा होगी, 14.4 किलोवाट आवर, इतनी ऊर्जा जो है इतनी यूनिट के रूप में क्या होगी, इकाई के रूप में क्या होगी, खर्च होगी। समझ में आ गया। अब इसी को जूल में अगर निकालेंगे तो जूल में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, तो जूल में ऊर्जा व्यय, ऊर्जा व्यय जूल में कैसे निकालते हैं, अभी बताया था संबंध,
क्या संबंध बताया था आपको याद होगा, है ना, 1 kWh इसको इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल। तो इसको क्या करेंगे, 14.4 गुणित लिख देंगे 3.6 × 10⁶, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में। किलोवाट आवर, 1 kWh होता है 3.6 × 10⁶ जूल होती है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 15.84 × 10⁶, लिख सकते हैं क्या, जूल। ये आपका फाइनल आंसर है, समझ में आ गया इसना, ठीक है। तो ये जूल में आंसर हो गया, ये किस में आंसर हो गया, यूनिट वाइज, यूनिट मतलब इकाई में, किलोवाट आवर में। किलोवाट आवर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, 14.4 kWh, और जूल में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, 15.84 × 10⁶ जूल। तो हो सकता है ऑप्शन में जूल में दे दे तो आपको इसको टिक लगाना है, अगर मान लो किलोवाट आवर में दे दे तो आपको ये वाला टिक लगाना है। इतना क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 वाट मतलब शक्ति का मान दिया है कितना, पी का मान 60 वाट, कि 10 बल्ब, कितने बल्ब है, 10 बल्ब, यदि 5 घंटे लगातार जलते रहे तो, समय का मान कितना दिया है, 5 आवर, 5 घंटे दिए हुए हैं। तो विद्युत व्यय यूनिट में होगी, यूनिट में निकालना, इतना क्लियर हो गया। तो अपन सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, प्रति बल्ब निकाल रहे हैं, मतलब एक बल्ब का प्रति बल्ब व्यय, मतलब किसका, एक बल्ब का, एक बल्ब का व्यय निकाल रहे हैं अपन, है ना, प्रति बल्ब ऊर्जा व्यय, क्या निकाल रहे हैं, ऊर्जा व्यय निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। तो प्रति बल्ब ऊर्जा व्यय, तो ऊर्जा व्यय मतलब कार्य, कार्य होता है शक्ति गुणित समय, है ना। अब शक्ति कितना है, 60 वाट, तो 60 वाट, तो ये शक्ति वाट में है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलो वाट में। फिर से क्या करना पड़ेगा, 1000 का भाग देना पड़ेगा, 1000 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये 5 आवर, टी का मान कितना दिया है, 5 आवर, तो ये तो आवर में, तो किस में चेंज होगा, किलो वाट आवर में। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, 56 × 33 300 × 1000 कितना हो जाएगा, 0.3 kWh हो जाएगी, मतलब कितनी यूनिट, 0.3 यूनिट, मतलब एक बल्ब की जो खपत है पर डे कितनी है, 0.3 यूनिट की है, कितने घंटे जलाने से, 5 घंटे जलाने से। अब टोटल कितने बल्ब है, 10 बल्ब है, तो कुल ऊर्जा व्यय, कुल ऊर्जा व्यय है ना, किसके लिए निकाल रहे हैं, 10 बल्बों का, कितने बल्बों का, 10 बल्बों का, तो 10 बल्बों का कुल ऊर्जा व्यय कितना हो जाएगा, तो एक बल्ब का जो ऊर्जा व्यय है 0.3, उसमें 10 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 kWh, मतलब कितनी यूनिट, 3 यूनिट्स। इतना क्लियर हुआ, तो कि बिजली बिल खपत कितनी होगी, 3 यूनिट्स होगी, तो यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा, ये वाला। इतना क्लियर हो गया, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, 2 बल्ब क्रमशः 100 वाट, 220 वोल्ट तथा 50 वाट, 220 वोल्ट लिखा है। दो बल्ब है, पहले बल्ब में लिखा हुआ है 100 वाट, 220 वोल्ट, मतलब ये किसका मान है, शक्ति का मान है, 220 वोल्ट किसका मान है, वोल्टेज का मान है। और दूसरे बल्ब में लिखा हुआ है 50 वाट 220 वोल्ट, इतना क्लियर है, ये किसका मान है, V का मान है, P और V का मान दिया है, शक्ति और वोल्टेज का मान दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें आगे देखिए, इन दोनों को एक साथ श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट के मेंस के साथ जोड़ दिया जाता है, दोनों में उत्पादित ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, दोनों का प्रतिरोध निकालते हैं, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगी, ठीक है। तो पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर, पहले वाले R1 लेते हैं तो V स्क्वायर क्या हो जाएगा, 220 × 220 अपॉन P का मान क्या हो जाएगा, 100 वोल्ट, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे R2 ले लेते हैं, तो R2 का मान क्या हो जाएगा, V स्क्वायर 220 × 220 अपॉन हो जाएगा P, P मतलब 50। इतना क्लियर हो गया, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, R1 का मान आ जाएगा, तो यहाँ पे R1 का मान कितना आएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आएगा, 484 ओम, जब R1 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से R2 निकालेंगे, तो R2 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आएगा 968 ओम, कितनी आएगी इसकी वैल्यू, 968 ओम। अब ठीक है, इतना क्लियर हो गया, तो ये पहले बल्ब का प्रतिरोध हो गया, ये किसका हो गया, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध हो गया। तो इस तरीके से अपन दोनों का क्या निकाले, प्रतिरोध। अब क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालने के बाद दोनों में उत्पादित ऊष्मा का अनुपात क्या होगा, ऊष्मा का अनुपात मतलब निकालना है H1 अपॉन H2, और H1 अपॉन H2, H का फार्मूला होता है I² RT, यहाँ भी H का फार्मूला हो जाएगा I² RT। अब देखो श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होगा, दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गए, समय भी दोनों को क्या होगी, सेम होगी, लेकिन प्रतिरोध दोनों का क्या है, अलग अलग, तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R2। चलिए अब देखते हैं, R1 का मान कितना आया, 484, और R2 का मान कितना आया, 968,
जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार जाएगा, दो बार, तो ये आ गया वन अपॉन टू, वन रेशियो टू, एक अनुपात दो। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। इतना क्लियर है, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक का टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आगे की क्लासेस भी अपन नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच।